लॉ एंड इक्वालिटी क्या मतलब क्या बताया था नियम के बारे में आपको थे ना पिछला क्लास में चंद्र तुम भी था लास्ट क्लास में अच्छा लॉ तो ठीक है नियम इक्वालिटी क्या हुआ इक्वालिटी क्या हुआ समानता था हाँ समानता है ना तो एक फोटो दिखाया था याद है जैसे स्टेडियम है अंदर यहाँ पे मैच चल रहा है ना क्रिकेट मैच ठीक है हाँ एक दीवार है यहाँ पे और तीन डब्बा है ऐसे उसपे तीन लड़का खड़ा है ठीक है एक ऐसे खड़ा है लंबा लड़का वो मैच देख रहा है एक उससे थोड़ा छोटा लड़का वो भी ऐसे देख रहा है और एक हाइट छोटा सा बच्चा वो ऐसे रह रहा है तो क्या ये इक्वालिटी है ना अभी तीनों के पास एक एक डब्बा है ना तो उसपे खड़ा होकर देख रहा है इसको मैच देख रहा है इसको भी देख रहा है इसको नहीं देख रहा है तो इक्वालिटी तो है ना तीनों के पास एक एक डब्बा है आप वैसे ही लेकिन अगर एक कॉन्सेप्ट आता है इक्विटी का इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी यानी समानता ही बोलो उसको उसमें क्या करेगा जैसे इसका डब्बा हटा दिया तो ये अभी भी इसको यहां से ऐसे देख रहा है ना तो इसका जो बॉक्स था वो यहां पे दे दिया आपने तो क्या हुआ दो डब्बा और अब ये भी मैच देख सकता है तो असली इक्वालिटी ये हुआ ना समझ आए तो इसी के चलते हम एससी एसटी ओबीसी ये सब का बात करेगा ठीक है कि इक्वालिटी सरकार कैसे दे रही है कोटा रिजर्वेशन जाता है ना एससी एसटी जो भी है जो संविधान ने आइडेंटिफाई किया है उनको क्या मिलता है कॉलेज में कुछ सीट मिलता है जॉब में सीट मिलता है ना कुछ तो वो इसी के चलते है ताकि बराबरी पे आ पाए लोग है ना क्योंकि जो शुरुआत से अगर जैसे अमीर है या फिर जिसको शुरुआत से एजुकेशन मिला है नहीं तो अगर सबको बराबरी पे मिले वो हमेशा आगे रहेगा ना तो जो भी जो पिछड़ा जाति है या फिर ट्राइबल जो वर्ग है उसको क्यों मिल रहा है ये सब कोटा क्यों मिल रहा है सीट क्यों मिल रहा है ताकि वो लोग भी आगे आके बराबरी कर सके इस कॉन्सेप्ट में है ना ये समझ गया तो इसके आगे हम आज बात कर रहे हैं तो बेसिकली जैसे आप लोगों को बात किया था क्या क्या तीन चीजें आ जाते हैं ना बार बार आप सुनते हैं एससी एसटी ओबीसी ये सब कौन बना है ये लेवल कहां पर संविधान में हाँ एकदम कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था रिपब्लिक डे 26/1/1950 ठीक है तो इसके चलते एससी एसटी ओबीसी अब बात करेंगे है क्या ये सब ठीक है सबसे पहले एससी ये कहां से आता है एससी टर्म है क्या एससी का फुल फॉर्म क्या हुआ शेड्यूल क्या हुआ शेड्यूल मतलब क्या होता है शेड्यूल बेसिकली एक लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार ने एक लिस्ट बनाया है जिसके चलते वो खूब सारा अराउंड 1000 से भी ज्यादा जातियां हैं जिनको इंडिया में एससी का दर्जा दिया है उसके चलते क्या होता है कॉलेज में उनको कुछ सीट मिल सकता है जॉब में सीट मिल सकता है पार्लियामेंट में भी 545 जो सीट है लोकसभा में उसमें से कुछ 40 एससी उनके लिए रिजर्व है यानी वो सीट बस एससी कैंडिडेट जीत सकता है ठीक है एमएलए और एमपी लोकसभा ठीक है तो है क्या ये सब कहां से आ रहा है इस पे बात करते हैं कास्ट शेड्यूल तो पता लग गया ना बेसिकली लिस्ट एक लिस्ट है तो कास्ट कास्ट को क्या हिंदी में क्या बोलता है जाति कहां से आ रहा है ये जाति हमारा पूर्वज हाँ ठीक है पूर्वज से आ रहा है तो बेसिकली शुरुआत कैसे होता है जाति किस तरह से काम के हिसाब से होता था जैसे जो लोग क्या है पढ़ता है शास्त्र ये सब पढ़ता है वो क्या हो गया ब्राह्मण हो गया जो लोग लड़ाई करता है या फिर जो राजा ये सब वो क्षत्रिय है ना वैसी वैश्य जो चास है या फिर दुकान दुकान ट्रेडिंग करता है वैश्य शूद्र है ना तो धीरे धीरे लेकिन क्या हो गया वो जन्म के साथ भी जुड़ गया
पहले क्या था, बस जो काम करता है वही रहेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि जो खेती करता है तो उसका बच्चा भी खेती ही करेगा, जो राजा है उसका बच्चा भी राजा बनेगा, जो ब्राह्मण है जो पढ़ाई करता है मंदिर में बैठ के उसका बच्चा भी वही करेगा। तो धीरे धीरे क्या हो गया, जो जिसके पास एजुकेशन है ब्राह्मण के पास, उसका बच्चा भी एजुकेटेड है, उसका बच्चा भी एजुकेटेड है, तो पावर उन्हीं के पास रहेगा, है ना। वैसे ही राजा का बच्चा राजा बन रहा है, फिर से बन रहा है, तो उन्हीं के पास पावर रहेगा, बाकी लोग कौन रह गए, हाँ जो जांच करने वाला या फिर जो बाकी काम करने वाला, वो लोग कभी ऊपर नहीं आ पाएगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट था, ये सब आया कैसे, जैसे पहले आपको मैं बात किया था ऋग्वेद, जो दुनिया का हमारे पूरे दुनिया का सबसे पुराना लिखा हुआ एक टेक्स्ट है ऋग्वेद, है ना, वेद सुना है आपने, चार वेद होते हैं ना, ऋग साम अथर्व और यजुर्वेद, है ना, चार वेद, उसमें से सबसे पुराना है ऋग्वेद, अराउंड 1500 BC, यानी कितना साल पहले, अराउंड ऑलमोस्ट 4000 साल पहले का लिखा गया था वो, ठीक है। तो तब क्या था, तब हिंदुइज्म नहीं था, तब एक बस वैदिक रिलीजन बोलते हैं, वैदिक धर्म चल रहा था, धीरे धीरे उसको जब आप अभी जो हिंदुइज्म मानते हैं वो वहां से बना है, कई हजार साल लगे हैं, तो अराउंड 200-300 BC, यानी कि इसके 1200 साल बाद, ऋग्वेद के 1200 साल बाद एक और टेक्स्ट आया, कई सारे हैं, उनमें से एक था मनुस्मृति, इसका नाम सुना है मनुस्मृति। तो ये जो भी जो वर्ड कास्ट सिस्टम है ना, जो आपको बताया है कास्ट सिस्टम, वो मनुस्मृति से माना जाने की उधर से शुरुआत, उसमें लिखा गया था क्या क्या होता है और क्या क्या कास्ट है, जैसे आपको बताया था क्या कास्ट है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्षत्रिय नहीं नहीं वैश्य और शूद्र, है ना। तो अब इस चीज में क्या है, एक बात मैं आपको बार बार बोला था कि जब तक कहानी शिकारी लिख रहा है तो क्या होगा, हीरो कौन होगा कहानी, शिकारी होगा, विलेन कौन होगा, शेर, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये सब जो कानून है कास्ट के साथ जो भी नियम थे वो सब कौन बनाया, आपको क्या लगता है कौन बनाया ये सब नियम, मनुष्य तो बनाए ये सब मनुष्य, लेकिन हाँ ब्राह्मण, अब ब्राह्मण अगर ये सब कास्ट का नियम बता रहे तो कैसा नियम बनाएगा, किसका फायदा होगा उन नियमों से, उसी का अपना फायदा होगा ना। तो इसीलिए वो लोग अपना कानून बनाए, उसके हिसाब से वो लोग पता है क्या बोलते हैं, ये कास्ट कैसा है, ये अंतरिक्ष में स्पेस में एक बड़ा सा एक आदमी है जिसका नाम भगवान है, वो बेसिकली पुरुष, तो उसके सर से बना ब्राह्मण, ठीक है, तो यानी कि ब्रेन वहां से ब्राह्मण बना, हाथों से बना क्षत्रिय यानी लड़ाई करने वाला राजा, यहां से थाई से बना वैश्य काम करने वाला ट्रेडिंग दुकान चलाने वाला, और फाइनली शूद्र जैसे जो साफ सफाई करने वाला ये सब जो भी छोटा काम बोलते हैं जो, उसको बोला शूद्र पैर से बना है। आपको लगता है सही में ऐसा है कि कुछ ऊपर एक नहीं है ना, तो ये कौन बना, इससे आपको पता लगता है जो बंदा अपने आप को पावर दे रहा है वही बना है ना ब्राह्मण, तो इसी लेवल यही सिस्टम, अब क्योंकि धर्म में आपने मान लिया कि हमारा धर्म है तो ये चलते जा रहा है अभी तक, और इसी की वजह से क्या है एक अनटचेबिलिटी, छुआछूत वाला जो बात है ना, कई जो शूद्र कास्ट है उससे भी कम जो नीचे कास्ट माना जाता है उनको कभी तक यानी अभी तक प्रॉब्लम आया, लॉ ने तो बैन कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन जब 1950 में बना था अनटचेबिलिटी को कानून से बैन कर दिया, लेकिन प्रैक्टिस में अभी भी हो रहा है ना। जैसे एक बात आपको क्या बताया था, लॉ ऑन पेपर इन प्रैक्टिस क्या होता है वो, हाँ कानून एक जगह कुछ लिखा हुआ है, हमारा कानून सिस्टम बहुत अच्छा है लेकिन प्रैक्टिस में वैसे नहीं होता है। जैसे आपको बताया था कल को मैं मर्डर कर देता हूँ किसी का, तो कानून के हिसाब से क्या होना चाहिए, मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए, या तो फांसी होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, जेल। लेकिन अगर मेरे पास पैसा है या फिर बहुत अच्छा लॉयर है बहुत कुछ हो सकता है, मेरा लॉयर मेरे को बोलेगा कि अपना डेथ सर्टिफिकेट बना लो और एक साल के लिए गांव भाग जाओ, खत्म केस, है ना। तो इन लॉ ऑन पेपर और प्रैक्टिस में बहुत अलग है, तो वही यहाँ पे चीज हो रहा है, अनटचेबिलिटी बैन है लेकिन अभी भी गांव ये सब में होता है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी देखा है लेकिन मैंने देखा है मेरे एरिया में भी तक होता है, ठीक है। तो बेसिकली सबका पॉइंट ये है कि जो अभी जब ये जो प्रॉब्लम आ रहा है कास्ट का, वो बहुत पुराना है, इतने 2000 सालों से हमने अपने इसको धर्म और
ट्रेडिशन का पार्ट बना लिया, इसलिए अभी तक हमारे समाज में ये फैला हुआ है, ठीक है। और इसका क्या कर सकते हैं, हम ऐसे ही पढ़ लिख के इसमें सवाल उठा के ही आगे बढ़ सकते हैं ना। इतना आप ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा नहीं है कि ये अप डाउन यानी ब्राह्मण ज्यादा अच्छा है, ये क्यों बना है, क्योंकि नियम किसने बनाया, ठीक है, बस इतना सिंपल था। हाँ, तो अभी हमारे देश में अराउंड 300 मिलियन एससी पॉपुलेशन है। 300 मिलियन कितना है, 360 है ना, इतना एससी पॉपुलेशन है हमारे देश में, जो कि अराउंड 16% है इंडिया के पॉपुलेशन का। 1.2 बिलियन का जो पॉपुलेशन है हमारा, उसमें से इतना लोग शेड्यूल कास्ट है, ठीक है। और अब ये देखिए एससी का जो स्टेटस है, कास्ट का स्टेटस क्या है, धर्म से जुड़ा हुआ है ना। तो जब भी अगर शेड्यूल कास्ट वाला अपना धर्म बदल देगा तो उसको कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो फिर शेड्यूल कास्ट नहीं रहता है। ट्राइब अलग चीज है, ट्राइब अभी इस पे आगे जाएगा, ठीक है। एक बात करते हैं बी आर अम्बेडकर, उनका बहुत बड़ा हाथ था इस सब में, बी आर अम्बेडकर है ना, संविधान का वो मेन आदमी था जिन्होंने, चेयरमैन था वो संविधान बनाने वाले कमेटी का। तो वो खुद भी शेड्यूल कास्ट है, वो खुद भी नीच जाति से जो बोलते हैं लोअर कास्ट से थे। तो लेकिन बहुत बड़ा स्कॉलर आदमी था वो, चार डॉक्टरेट पीएचडी जानते हैं ना, वो आदमी चार पीएचडी किया था, लोग यानी जीवन में एक पीएचडी करते हैं, वो चार पीएचडी किए थे इकोनॉमिक्स, लॉ में, इकोनॉमी इकोनॉमिक्स में। तो बहुत वो खतर, अपने उस समय पहला आदमी था जो लोअर कास्ट से जो कॉलेज गया, स्कूल गया, बाहर पढ़ाई किया, वो लंदन में पढ़ाई किया, कोलंबिया में पढ़ाई किया। तो एक तरह से वो बिल्कुल एक लीडर बन गए थे, जिन्होंने जिनकी वजह से हम ये सब देख रहे हैं। 1950 कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए इतना ये सब, एससी एसटी के लिए जो बेनिफिट्स, कोटा का हम बात कर रहे हैं, वो सब उन्हीं की वजह से आया। अनटचेबिलिटी का जो बैन है उन्हीं की वजह से आया। और वो क्या जीवन भर यानी हिंदुइज्म के खिलाफ लड़ते रहे, क्योंकि हिंदुइज्म जो हम मानते हैं उसी के हिसाब से वो है ना, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो वो पूरा टाइम हिंदुइज्म के अगेंस्ट लड़ रहे थे, गांधी के साथ उनका काफी लड़ाई हुआ, क्योंकि गांधी बोल रहे थे कि नहीं ये हिंदुइज्म का प्रॉब्लम नहीं है, ये हाँ ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है कास्ट का, इसको हम हटा देंगे। लेकिन अम्बेडकर का मानना था कि कास्ट सिस्टम हिंदुइज्म का एक बहुत अंदरूनी हिस्सा है, तो उसको नहीं हटाया जा सकता। एंड में फिर क्या किया उन्होंने, 1956 में जब वो मर रहे थे अम्बेडकर, अपने मरने से पहले वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि बुद्धिज्म में क्या है, कास्ट सिस्टम नहीं है ना। और उन्हीं के चलते कुछ लाखों जो लोअर कास्ट का लोग भी बुद्धिस्ट में बुद्धिज्म बन गए थे, ठीक है। तो वही ऐसे कई लोग रहे हैं अम्बेडकर के सिवाय, और भी ज्योतिराव फुले ये सब, जिनकी वजह से आज ऐसा है कि कई टॉप जो ऑफिसेज में सिविल सर्वेंट्स, पॉलिटिशियन, ये सब लोअर कास्ट से आगे आए हैं, ठीक है। तो बहुत स्ट्रगल रहा है ये, तो ये कास्ट का बात। और उस पे आते ट्राइब शब्द आप बार बार सुनते रहता है ना, ट्राइब। अब ट्राइब क्या होता है, कास्ट समझ गया ना, जाति जो रिलीजन बेसिकली हिंदू चीज है वो। ट्राइब क्या हुआ, ट्राइब क्या होता है, ट्राइब बेसिकली कोई भी एक सामाजिक ग्रुप, समाज में एक छोटा सा कम्युनिटी ग्रुप, जो कि स्टेट जो बोला था, स्टेट क्या होता है, राज्य, एक सरकार का सिस्टम है जिसमें चाहे राजा हो चाहे डेमोक्रेसी इलेक्टेड सरकार हो, उसके अलावा कोई अगर एक ग्रुप रहा है, या तो वहां पे कभी सरकार ना थी, या फिर जैसे अगर इंडिया सरकार चल रही है तो साइड में उनका अपना सिस्टम चल रहा था। तो ज्यादातर ये क्यों हो रहा है, क्यों हुआ था, ट्राइब कैसे रह जाता है, हमने बात किया था सिविलाइज्ड सभ्यता, सभ्यता कहां से शुरू हुआ था, नदियों के आसपास है ना, नदी है, साथ में नदियों के आसपास क्या होता है, ज्यादा प्लेन इलाका है जहां पे अच्छा चास कर सकता है, ये सब कर सकता है, शहर बन गया। अब जो कुछ कुछ जगह होती है जहां पे बहुत मुश्किल है, जैसे क्या, पहाड़ या फिर जंगल है ना। तो ये लोग जो पहाड़ों में रहते थे या जंगलों में रहते थे या फिर रेगिस्तान डेजर्ट में रहते थे, वो लोग क्या हो गया, इन सब सिस्टम से थोड़ा बाहर रह गए है ना। यहाँ पे जैसे स्टेट बन रहा था, सरकार बन रही थी, सब कुछ, स्कूल हॉस्पिटल ये सब बन रहा है यहाँ पे, ये सब बनाना इन जगह मुश्किल है ना। तो क्या हुआ, ये लोग थोड़ा इस सब से बाहर रह गए,
तो जो भी लोग जैसे जिनका एक सिस्टम है अपना संस्कृति है ट्राइब, मैं आपने देखा अपना लैंग्वेज होता है जैसे जैसे उड़ीसा में क्या क्या ट्राइब है बहुत सारा है ना, कुछ कुछ लैंग्वेजेस क्या है सौरा कुई और क्या है कोंडा, तो ये सब आपने अगर ट्राइब्स देखा है इनका अपना एक संस्कृति है और अपना भाषा है जो कि मेन स्ट्रीम जो प्लेन्स रिवर साइड कल्चर से थोड़ा अलग है, तो और जो थोड़ा ज्योग्राफी की वजह से पिछड़ गए क्योंकि पहाड़ों में रहते हैं या जंगल में रहते हैं तो वो ट्राइब होता है ठीक है। और इंडिया में नहीं ट्राइब जैसे मैंने आपको बताया था सबका शुरुआत ट्राइब से ही हुआ है, अफ्रीका से इंसान का शुरुआत हुआ है ना कई हजारों साल पहले, तो बेसिकली ट्राइब का वही मतलब है कि जो और हाँ कि अपने नहीं ज्यादा ट्राइब वाला लोग यहाँ से इनको जाने का जरूरत नहीं है, वो अपना ही अपना खाना दवाई ये सब ज्यादातर यानी हर्ब्स प्लांट्स ये सबसे अपना काम चलाते हैं ना और कई जनरेशन से पीढ़ियों से चल रहा है तो वो ट्राइब होता है ठीक है। ट्राइब बेसिकली आप समझ गए ना, थोड़ा या तो कल्चर अलग होना चाहिए संस्कृति अलग है और ज्योग्राफी जगह के हिसाब से अलग है पहाड़ में डेजर्ट में जंगल में उस तरह का। और ये इंडिया में नहीं हर जगह जैसे अमेरिका में कोलंबस गया था ना अराउंड 1500 AD 1560 शायद कुछ ऐसे में कोलंबस अमेरिका का खोज किया जो बोलते हैं ना, उससे पहले अमेरिका में लोग नहीं रहते थे क्या रहते थे, तो वो क्या है वहां का ट्राइब हो गया वहां का आदिवासी, आदिवासी का मतलब क्या होता है ओरिजिनल नेम जो उस जगह का असली आदमी जो पुराने लोग असल में रह रहे थे, तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी लोग था पहले वहां का आदिवासी था वहां पे ब्रिटिश लोग आ गया अपना, हर जगह इंडिया में आर्कटिक जो नॉर्थ पोल है वहां पे भी लोग एस्किमो ये सब आपने सुना होगा जो बर्फ में रहता है, तो ये सब भी आदिवासी है ठीक है इंडिया में ही नहीं है ये चीज। तो बेसिकली समाज में जैसे अगर आप ये समाज का ये आपने सिस्टम बना दिया यहाँ पे अमीर लोग हैं ब्राह्मण हैं ये सब है तो सबसे नीचे क्या हमने बोला शूद्र है ना कास्ट, तो वैसे ही अगर आप एसटी को समझना चाहते हैं तो ट्राइब वो लोग हैं जो इस चीज के अंदर समाज में आ ही नहीं रहे, वो अपना अलग से समाज है उनका साइड में है वो लोग इस चीज से है ही नहीं उनका समझ रहा, ये मेन स्ट्रीम समाज है ना जहाँ पे है पॉलिटिशियन है पैसे वाला है ब्राह्मण है जो भी है शूद्र सबसे नीचे आते हैं समाज के है ना ये मानते हैं, तो ट्राइब वो है जो इस समाज का पार्ट भी नहीं वो अलग है अपना अलग ही वो समाज बनाता है अलग ही संस्कृति अलग भाषा है तो ये ट्राइब है ठीक है। इंग्लैंड जो हम मानते हैं जो सबसे सभ्य देशों में से माना जाता है वहां पे भी पहले ट्राइब ही था जर्मेनिक ट्राइब करके बोलते थे कुछ 2000 साल पहले, वहां पे भी सभ्यता जो आप होते हैं और सभ्यता का कॉन्सेप्ट बहुत ही आदिवासी, अब मान लो मैं आदिवासी हूँ यहाँ का मैं उड़ीसा का आदिवासी हूँ शुरुआत से यहाँ रह रहा हूँ तो मुझे अपने आप को ओरिजिनल इनहैबिटेंट बताने की जरूरत नहीं है ना, मैं खुद को थोड़ी बोलूँ कि मैं यहाँ शुरुआत से रह रहा हूँ अपने आप को आदिवासी नहीं बोल रहा, ये जो शब्द है आदिवासी ट्राइब वो हमेशा बाहर का लोग देता है, जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे तो उनके लिए जितना पूरा इंडिया में लोग रहे थे वो नेटिव्स थे एक तरह से आदिवासी है ना, खुद को नहीं बोलेगा ना आप लोग जैसे जो भी ट्राइब है वो तो शुरुआत से रह रहा है अपने जगह में खुशी से रह रहा है, ट्राइबल या फिर आदिवासी शब्द हमेशा बाहर से आता है कि हम बाहर से आए हैं हम सुधारेंगे हम सभ्य करेंगे तुम लोग यहाँ का ओरिजिनल हो तुम पिछड़े हो है ना, बाहर से आता है ये सब ये ध्यान में रखना है। तो शुरुआत में जैसे और हमेशा से इस चीज के अगेंस्ट ट्राइबल लोग लड़ रहा है ठीक है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका जमीन लेना चाहिए क्योंकि देखो सबसे ज्यादा मिनरल्स ये सब कहाँ होता है जंगलों में पहाड़ों में, यहाँ पे भी आपने देखा कई कई माइनिंग हो रहा है जगह है ना पत्थर तोड़ रहा है पेड़ फॉरेस्ट काट रहा है, तो ये चीज बहुत टाइम से चल रहा है कि बाहर के लोग आके ट्राइबल जो संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं या फिर उनका जगह ले रहे हैं उनका रिसोर्सेज ले रहे हैं, तो इंडिया का बात करते हैं बाहर बाकी तो दुनिया का छोड़ दो इंडिया का बात करते हैं, तो इंडिया में जितना रिकॉर्ड हुआ है तो पहले क्या था ब्रिटिश लोग आए थे ना, तो ब्रिटिश लोग उड़ीसा में झारखंड में छत्तीसगढ़ ये सब या फिर नॉर्थ ईस्ट में जाके जंगलों में वो घुसने लग गए, क्यों लकड़ी चाहिए थी टिम्बर लकड़ा लकड़ी है ना जंगल से लकड़ी चाहिए पत्थर चाहिए ये सब पहाड़ों का, और वहां पे क्या हुआ कौन लोग थे जिनको हम आदिवासी बोलते हैं तो वो लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े थे और कई बार जीते भी, ये सब चल रहा है
18th सेंचुरी यानी 1700 से इंडिया में हम मानते हैं कि सबसे पहला ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई हुआ था 1857 है ना, जो सिपाही म्यूटिनी। लेकिन उससे भी पहले ये भी है देखो संस्कृति का बात है, हम लोग 1857 वो मानते क्योंकि वो मेन स्ट्रीम जो क्या बोलते हैं प्लेन्स का लोग ये सब लोग लड़ रहा था ना, लेकिन ट्राइबल लोग उससे भी पहले ब्रिटिश के साथ लड़ रहे थे 1700 से 1750 ये सबसे चल रहा था। और आपको बता दो कौन कौन है एरिया में हो रहा था ये, छत्तीसगढ़ जहाँ पे लगा है, छत्तीसगढ़ जहाँ पे अभी तक प्रॉब्लम चल रहा है बस्तर में, और दूसरा इलाका है छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़ और साथ साथ में कुछ पार्ट उड़ीसा का आंध्र का, ठीक है ये सब भी उसका पार्ट है छोटा नागपुर। तो यहाँ से यहाँ का ट्राइब जो अलग अलग कई सालों से ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहा था कि आप हमारी जगह मत लो है ना, और कई बार उन्होंने ब्रिटिश को हराया भी, क्योंकि क्या है जब आप जंगलों में रहते हैं आपने देखा ना यहाँ पे अगर आप कैंप कहीं मान लो शीलू के दुकान पे ब्रिटिश ने कैंप लगाया है ना, और उनका पूरा आर्मी है, लेकिन अब ये जो हम लोग है जो क्या है जो ट्राइब वाला है चाहे 20 लोग होगा वो रात को आएगा उनको मारेगा और वापस भाग जाएगा जंगल में, कोई ढूंढ पाएगा इन जंगल में, जो इन जंगलों को जानता है वो वही ढूंढ सकता है ना, तो ये हमेशा सब फायदा चल रहा है ट्राइबल्स के लिए। और ये चीज अभी भी चल रही है, इस टाइप के लड़ाई को बोलते हैं गेरिला, गेरिला वॉरफेयर, गोरिल्ला नहीं गेरिला, गोरिल्ला तो वो बंदर हो जाता है गेरिला, ठीक है। ये चीज अभी भी जहां पे भी दुनिया में अगर छोटा सा एक जो ग्रुप है और जो क्रांतिकारी जो मान लो वो लोग जो बड़े आर्मी के साथ लड़ रहे हैं वो हमेशा ऐसा लड़ाई करते हैं, क्योंकि आमने सामने तो 15 लोग 100 के सामने ही लड़ सकते हैं ना यहाँ प्लेन में, तो ऐसा ही यानी मार के आप जंगलों में भाग जाओ या पहाड़ों में भाग जाओ, तो ऐसे ही करके ये बहुत टाइम से लड़ाई चल रहा है अभी तक चल रहा है। अभी क्या चल रहा है, अब तो ब्रिटिश चला गया ना, पहले ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहे थे, अब किनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, अब लड़ रहे हैं बड़ा बड़ा कंपनीज के अगेंस्ट और सरकार के अगेंस्ट। बड़ा बड़ा कंपनी और सरकार को क्या चाहिए इस जगह में, जंगल, बॉक्साइट, आयरन, एल्युमिनियम, ये सब जो पहाड़ों में छुपा हुआ है वो सब चाहिए, उस पर अभी और बात करेगा। 1895 में बहुत बड़ा इस आदमी का नाम सुना है बिरसा मुंडा, हाँ ये इंडिया का सबसे बड़ा इसको ट्राइबल लीडर मानते हैं, 25 साल की उम्र में ये मर गया था, लेकिन 1895 में जो मुंडा ट्राइब है छत्तीसगढ़ का नहीं सॉरी झारखंड का, तो ये भी गेरिला वॉरफेयर के द्वारा ब्रिटिशर्स के साथ खूब लड़ाई किया था, लेकिन फाइनली ये पकड़ा गया था और 1900 में ये जेल में रांची झारखंड जेल में रांची जेल में ये मर गया था, ठीक है। लेकिन 25 साल की उम्र में इसने बहुत कुछ किया था, यानी जितना भी झारखंड का ट्राइब्स था सबको साथ जोड़ के ब्रिटिश के साथ लड़ाई किया था, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज कई समय से चलता रहा, इनका एक कोट था, ये इसका एक स्लोगन था जो लड़ाई के वक्त कि अबुआ राज तेजना महारानी राज तंदुजना, यानी कि अब रानी का राज्य खत्म, अब हमारा राज्य, रानी यानी ब्रिटिश इंग्लैंड की रानी, ठीक है। तो ये चीज कही चल रहा है, अब बस फर्क ये हो गया कि पहले हम ये लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहा था, सरकार और कंपनी के अगेंस्ट लड़ रहा है। एक जो रिसेंट केस का बात करेगा डोंगरिया कौन जानते हैं, नियमगिरी जानते हैं, नियमगिरी कहा है, नियमगिरी किस राज्य में, हाँ कालांडी में बात है ना, हाँ। तो ये 2006 में कुछ क्या हुआ है, तो नियमगिरी एक पहाड़ है, ठीक है, कालांडी के वहां पे नियमगिरी, और वहां पे एक जो ट्राइब कौन सा है, डोंगरिया कौन, ठीक है। अब 2006 में क्या हो गया, एक बहुत बड़ा कंपनी है यूके का वेदांत करके, सुना है ये चीज आपने, वेदांत आया, उन्होंने वेदांत ने बोला कि हम यहाँ पे एल्यूमिनियम फैक्ट्री खोलेगा, ठीक है, फैक्ट्री बना दिया, लेकिन अब एल्यूमिनियम बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, बॉक्साइट, बॉक्साइट। अब बॉक्साइट क्या है, ये जो नियमगिरी पहाड़ है उसमें खूब सारा बॉक्साइट भरा हुआ है, ठीक है। तो अब सरकार भी वेदांत को सपोर्ट कर रहा है, क्यों, पैसा, पैसा है ना। लेकिन अब ये जो डोंगरिया कौन ट्राइब है,
वो मान रहे कि नियम गिरी जो ये है ये इनका इसमें भगवान रहता है, ठीक है। तो ये लड़ाई हो गया, तो बहुत टाइम चला, यानी ट्राइल ये जो डोंगरिया को हम लोगों को बहुत तंग किया, पुलिस तंग किया, सरकार तंग किया, केसेस चला, लेकिन फाइनली क्या हुआ 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डोंगरिया कौन के जो लीडर है वही लोग डिसाइड करेंगे कि ये फैक्ट्री बनना चाहिए कि नहीं। 12 के 12 लीडर ने मना कर दिया, तो क्या हुआ, नियम की भी हिल बच गया, ठीक है। लेकिन अब फिर से इस बार केस, अभी 2016 पिछले साल फिर से एक नया केस चल रहा है, तो अभी भी चल रहा है। और अभी अब डोंगरिया कौन को एक तरफ से सरकार तंग कर रही है, दूसरी तरफ से माओइस्ट तंग कर रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन फिर भी आप समझ रहे, छोटा सा ट्राइब है, 8,000 लोग हैं इसमें, इन्होंने पूरा एक जो इतना बड़ा कंपनी और उड़ीसा सरकार के साथ लड़ाई किया एक तरह से और जीते, है ना। तो यही मैं बोल रहा हूँ, बार बार ये स्ट्रगल चलता जा रहा है, अभी भी चल रहा है ये चीज, ठीक है, खत्म नहीं है। अच्छा, तो उसको तो पता होगा, और ऐसे ही कई लड़ाइयां इंडिया में चल रही है, हर जगह, मेरे वहां पे भी चल रही है। मैं लाहौर से हूँ, मैंने आपको बताया था, लाहौर में क्या है, बहुत पहाड़ है, बहुत नदियां हैं, तो वहां पे डैम्स बन रहा है खूब सारा, है ना। तो अभी वहां का लोग सरकार के अगेंस्ट लड़ रहे हैं कि हमको डैम नहीं चाहिए, क्योंकि डैम बनेगा तो क्या होगा, डैम पानी आएगा, डैम के आसपास जो भी गांव है वो हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और डैम का फायदा किसको जाएगा, वहां के लोगों को नहीं मिलेगा, शहर में आएगा उसका पानी, इलेक्ट्रिसिटी जो बनाएगा शहर में आएगा, लोकल लोगों को कुछ नहीं होगा। ऐसे ही पूरे इंडिया में कई जगह ऐसी लड़ाइयां चल रही है सरकार के अगेंस्ट। तो बार बार जो मैं आपको बोलता हूँ कि सरकार भी जो बोलते हैं वो न्यूज में जो आते हैं वो सब आपको नहीं मानना चाहिए, ठीक है। एक हमेशा कहानी का दो हिस्सा होता है, एक हिस्सा सोचो, एक कहानी पुलिस बताती है तो दूसरी कहानी चोर बताती है, हो सकता है चोर चोर ना हो, चोर सही होगा ना, तो ये सब उनको जानने समझने का जरूरत है। एक दूसरा क्या चल रहा है, हाँ, ट्राइब के साथ एक और दूसरा लड़ाई चल रहा है कि ट्राइबल जो है उन लोगों को बोला जाता है कि आप लोग, आपका जो संस्कृति है वो पिछड़ा हुआ है, आप हिंदू बन जाओ या फिर क्रिश्चियन बन जाओ, हमारा रिलीजन ले लो, हमारा कल्चर अपना लो, ये भी देखा होगा। तो कई जगह क्या होता है, क्रिश्चियन मिशनरी हर जगह फैला हुआ है, उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है। वैसी दूसरी तरफ से क्या है, बीजेपी आरएसएस ये लोग अपना, जैसे आपको एक बात होता है घर वापसी, सुना था आपने घर वापसी, आरएसएस पता है क्या है, आरएसएस क्या है, कंपनी है, संस्था है, एक हिंदू संस्था। बीजेपी जो है ना, आरएसएस बीजेपी दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है, और बीजेपी अभी सरकार पावर में, ठीक है। तो आरएसएस ये लोग एक चीज चलाए थे कि घर वापसी, उसके चलते वो क्या कर रहे थे, जितना भी जो ट्राइबल ग्रुप्स है, ट्राइबल्स के पास जा जाके बोलते कि नहीं आप असल में हिंदू थे, आप धीरे धीरे ट्राइबल बन गए, आप वापस हिंदू बन जाओ, तो जा जाके वो सबको हिंदू बना रहे थे। अब आपसे देखा जाए हिंदू का जो ट्रेडिशन है और जो आपका अपना अपने गाँव में देखा होगा, मेरे गाँव में वैसा ट्रेडिशन होता है, कुछ ऐसा है कि हिंदू का पूजा ज्यादा अच्छा है या हमारा पूजा कम है, ऐसा तो नहीं है, मुझे नहीं लगता बिल्कुल, बल्कि ट्राइबल कल्चर जहां मैं जाता हूँ पहाड़ों का पूजा होता है, सन का पूजा होता है, नदी का पूजा होता है, पेड़ का पूजा होता है, बाकी धर्म में क्या है, मूर्ति बना देते हैं उसका पूजा होता है। तो ये कुछ भी वो नहीं है कि हिंदुइज्म, बार बार ये ट्राइब को महसूस कराया जाता है कि आपका रिलीजन कम है, हमारा रिलीजन ज्यादा अच्छा है, जीसस ज्यादा अच्छा है या फिर शिव ज्यादा अच्छा है, विष्णु ज्यादा अच्छा है, ये सब चीजें भी आप समझना, ठीक है। जैसे एक और बात है, बीजेपी ट्राइबल को आदिवासी नहीं बोलता है, क्या बोलता है, वनवासी। इन दो शब्द में अंतर क्या हो, डिफरेंस क्या है, आदिवासी और वनवासी में डिफरेंस क्या है, वनवासी जंगल में रहते हैं, आदिवासी उस जगह का जो असली हकदार है ना। तो इसीलिए देखो आप शब्दों में भी बहुत पॉलिटिक्स जुड़ा होता है, अगर आप आदिवासी किसी को बोल रहे हैं तो बेसिकली आप उनका जमीन नहीं ले सकते ना, क्योंकि उससे आप डायरेक्टली बोल रहे हैं कि ये तो आप ही का जमीन है, तो इसलिए आदिवासी की जगह वो लोग वनवासी बोलता है ताकि उन लोगों को हटाने में आसानी हो, ठीक है। तो ये सब आपको पॉलिटिक्स बहुत ये समझने का जरूरत है, ठीक है।